तो आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर कौन जीता, किसने सबसे ज़्यादा सही बाय किए, सही जगह पैसा लगाया, तो दोस्तों इस मामले में सनराइज़र हैदराबाद जो है वो सबसे आगे आती है। सनराइज़र हैदराबाद ने दो ऐसे खिलाड़ी ले लिए हैं जो कि उनकी टीम को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, और दो ऐसे खिलाड़ी जो कि उनको कम दाम में भी मिल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो खिलाड़ी हैं वो हैं ईशान किशन। ईशान किशन के पीछे मुंबई इंडियंस नहीं गई, मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को छोड़ दिया और मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल लॉयल्टी नहीं दिखाई ईशान किशन को लेकर, लेकिन ईशान किशन के पीछे गई सनराइज़र हैदराबाद, जबकि उनके पास बतौर ओपनर दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वो बाहर नहीं रख सकते, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। उनके पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उसके बावजूद भी वो ईशान किशन के पीछे गए और ईशान किशन को लिया है 11 करोड़ 25 लाख रुपए में। हालांकि ईशान किशन बहुत लेट उनका नंबर आया, अगर थोड़े से और पहले उनका नंबर आ जाता तो वो इससे भी ऊपर जा सकते थे, वो 20 करोड़ के आसपास भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि टीमों ने पहले से बाय कर लिए थे, इतना पैसा लगा दिया था, तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे ईशान किशन। लेकिन 11 करोड़ 25 लाख रुपए में ईशान किशन को सनराइज़र हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है और अब हो सकता है कि आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते देखें ईशान किशन, क्योंकि ओपनिंग तो उनका स्लॉट जो है वो क्लियर है, ट्रेविस हेड और आपके अभिषेक शर्मा ही करने वाले हैं, तो नंबर 3 पर आपको ईशान किशन दिखेंगे, नंबर 4 पर हेनरिक क्लासन दिखेंगे, तो ये टीम जो है अब और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इसके अलावा दोस्तों एक और इन्होंने जो टॉप बाय किया है वो किया है मोहम्मद समी को। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ रुपए में मोहम्मद समी को खरीद लिया है और अपनी टीम में शामिल कर लिया है, और मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा झटका है। मोहम्मद समी को आपको जाने नहीं देना चाहिए था, 10 करोड़ रुपए में मोहम्मद समी अब सनराइज़र हैदराबाद के जो है वो खिलाड़ी बन चुके हैं और पैट कमिंस पहले से इनके पास मौजूद हैं, उनके साथ अगर मोहम्मद शमी आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये टीम किस लेवल की हो गई है। इसके अलावा भी उन्होंने कई बाय किए हैं सनराइज़र हैदराबाद की टीम ने और इंडियंस पे पैसा लगाया, क्योंकि इनके पास विदेशी पहले से ही हैं, ट्रेविस हेड हैं, पैट कमिंस हैं, हेनरिक क्लासन हैं, तो और इन्होंने जो रिटेन भी किए हैं तो इनके पास विदेशी खिलाड़ी पहले से ही हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बाय किए हैं, तो मैं बता दूं, इन्होंने राहुल चेहर को मात्र 3 करोड़ 20 लाख रुपए में ख़रीद लिया है, तो टेबल पर ही इनकी जीत हो गई है। आरसीबी की तरह पैसे बचा के नहीं बैठे हैं, एडम जैम्पा को भी ले लिया है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, मात्र 2 करोड़ 40 लाख रुपए में एसआरएच ने एडम जैम्पा को ले लिया और एडम जैम्पा के पीछे भी आरसीबी नहीं गई। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगर एसआरएच की, तो अभिनव मनोहर जो कि पिछले साल गुजरात टाइटंस के हिस्सा थे, बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं, इनके पास भी वो पावर है, तो इनके पीछे भी एसआरएच नहीं, वो आपके आरसीबी नहीं गई, इनको सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपए में एसआरएच ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो एसआरएच ने टेबल पर जो है वो बहुत सही बाय किए हैं और अपनी टीम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर बाय किए, इंडियंस के पीछे ही गए हैं, विदेशी खिलाड़ी उनके पास पहले से मौजूद हैं इसलिए उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को पर पैसा नहीं लगाया है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम टॉप पिक की, तो टॉप पिक जो रहे हैं वो आपके ऋषभ पंत ही रहे हैं 27 करोड़ रुपए। इसके अलावा सिमरजीत सिंह को मात्र 1.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है एसआरएच ने। और इसके अलावा जो है अगर बात करें दोस्तों हम टॉप पिक की, तो 3 टॉप पिक रहे हैं अभी तक इस आईपीएल के ऑक्शन में, ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर सरप्राइजिंग है क्योंकि इतना पैसा वेंकटेश अय्यर को केकेआर देगी किसी ने सोचा नहीं था, सुरेश अय्यर के पीछे भी वो नहीं गए इतना पैसा लेकर, लेकिन वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 24 लाख रुपए में खरीदा है केकेआर ने, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि क्यों खरीदा है, इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि बड़े मुकाबलों में हमेशा ही रन बनाते हैं और 200-250 की स्ट्राइक रेट्स रन बनाते हैं, तो इसीलिए केकेआर वेंकटेश अय्यर के पीछे गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसआरएच की, एसआरएच ने जो टेबल पे कमाल किया है वो आउटस्टैंडिंग किया है ईशान किशन को और मोहम्मद समी को अपनी टीम में शामिल करके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।